दोस्तों आप कैसे हो। तो आज आपको मैं ऐसी कोई ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप रोबोट की तरह काम करोगे। और जैसे रोबोट काम करता है 18 से 20 घंटे, वो तो कभी थकता ही नहीं, उसमें जान तो होती नहीं है। ऐसा मान लो मैं इंसान होते भी ऐसा रोबोट की तरह काम करता हूँ। अब दिन में दिन और रात को मिला के 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में से मान के चलो मैं कम से कम भी नाना करके 18 घंटे काम कर सकता हूँ, और कम से कम बिना थकावट के, बिना खाना खाए, बिना कुछ एनर्जी के। मान लीजिए अगर ठंडा पानी दे देना, तो ऐसी कैपेसिटी बनाने के लिए आपको डेली रूटीन में है ना कसरत करनी पड़ेगी, और स्वच्छ खाना खाना पड़ेगा, और स्वच्छ वातावरण में रहना पड़ेगा। और जहाँ ऐसे हरी भरी घास पेड़ पौधे होते हैं ना, वहाँ आपको रहना पड़ेगा, जिससे क्या है माइंड फ्रेश रहता है। और माइंड फ्रेश रहने का कारण ये है कि आपको जैसे अच्छी ताजगी वाली हवा मिले, जहाँ पानी हो, स्वच्छता हो। ऐसा नहीं कि आपका घर ऐसी जगह है कि मान लो पास में कचरे का कूड़ा पड़ा है, वहाँ से गंद आ गया, आप उसको उस श्वास को आप अंदर ले रहे हो, आपके अंदर जा रही है अनेक तरह की बीमारियाँ खींच खींच के उस वायु से आपके शरीर में प्रवेश करें, और आपको क्या है वो कहने का मतलब एक रोगी बना रहा है आपको शरीर को, वो ऐसा गंद। आप बिल्कुल गंद से दूर रहे, वातावरण बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए। पहली कंडीशन कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, दूसरी कंडीशन कि वायु स्वच्छ हो, तीसरी कंडीशन कि ऐसे वायु अगर स्वच्छ तभी रहेगी कि कादा कीचड़ उससे क्या है तुम मच्छर पनपने लगते हैं। ऐसी कई चीज़ों को आपको दूर रहना पड़ेगा, तब जाके आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्वच्छ खाना खाना, देख कर खाना खाना, ऐसा कोई गंदगी वंदगी का खाना नहीं खाए, सड़ा भूसा ना खाए, स्वच्छ और ग्रीन सब्जियों और ग्रीन सलाद का आप सेवन करें, तब जाके आप शरीर ऐसे स्वच्छ रह सकता है, तब आप 18 घंटे की वर्किंग कर सकते हो। और फिर मैं आपको और ऐसी चीज़ें एड ऑन करके बताऊंगा कि और आपको क्या करना चाहिए।